चीजों ने जगह दी हुई है, स्पेस ठीक अवेलेबल है इसके अंदर, बड़ा फ्रिज है इसमें। और ये चौथा बेड और ये साथ ही। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की तारीख में दूसरा एक और होटल का रिव्यू मैं लेकर आ गया हूँ भाई के साथ, क्योंकि मेरा मदीना आना बहुत महीने में कोई दो बार होता है या तीन बार होता है, लेकिन उसमें और भी बड़ी मसूफियात होती हैं, रोज़े रसूल पे हाज़िरी भी देनी होती है। और चलें अभी जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दुरूशी पढ़ लीजिए, सलातो वस्सलाम अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयद या हबीबल्लाह। मेरे बैग पर जो शमा होटल देख रहे होंगे उसका नाम भाई से पूछते हैं, ये है माथर टेबा टू। माथर टेबा टू ज़बरदस्त का सबसे मशहूर होटल है, सही हो गया। कितने मीटर पे ये बनता है? ये 250 मीटर पे, 250 मीटर, 200 मीटर पे, सही। चलते हैं अंदर, इसकी मैं आपको लॉबी वगैरह दिखाता हूँ, उसके बाद आपको रूम का टूर जल्दी से करवाता हूँ क्योंकि थका हुआ हूँ बड़ा सफ़र। तो चलते हैं आप अंदर की तरफ जी। ये अंदर एंटर होते साथ ही ये इनकी जो सेटिंग बनी हुई है, सही हो गया, ये जो है इनकी सेटिंग वगैरह बनी हुई है, और ये इसके बाद जो है ये इनका काउंटर वगैरह बना हुआ है, और ये सेंटर पर इनका ग्लोब टाइप लगा हुआ है बैरल। और उसके अलावा जी लिफ्ट्स 1 2 3 4 5, ओहो 5 लिफ्ट्स हैं भाई जी, 5 लिफ्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। ये फ्रंट पे बड़ा अच्छा मिरर दिया हुआ है। अभी लिफ्ट आए, चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको लिफ्ट दिखाते हैं और रूम दिखाते हैं। इसकी लिफ्ट में अगर आपको दिखाऊं, लिफ्ट जो है वो इसकी काफ़ी अच्छी स्पेस में इसकी लिफ्ट बनी हुई है, ये मैं अगर आपको दिखाऊँ इसमें तकरीबन रात के हाल में 6-7 बंदे खड़े हो सकते हैं, और ये इस पर लिखा हुआ भी है 10% विद 800 kg, यानी 800। और मैं सामान के साथ इस होटल की एक और खासियत बताऊं, अगर कोई बोले यार मुझे ये डेट में ये होटल चाहिए इस प्राइस में, प्राइस तो उसको मिलेगी, लेकिन वो होटल अवेलेबिलिटी पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑल टाइम फुल रहता है। अच्छा, आज जो है 26 कमरे जो है वो खाली है मेरे। हाँ। तो इसका ग्रुप वगैरह आएगा कल, सही। वो क्योंकि ये काफी इसकी डिमांड है इस होटल की, मतलब मैंने अच्छे टाइम पे छापा मार लिया, मतलब ठीक टाइम छापा मार, अच्छे टाइम पे छापा मार लिया। चलो, मतलब ये है कि अगर किसी को ना मिल पाए ना तो फिर वो मेरी तरफ से माजरत है, सही होगा। तो अभी 7th फ्लोर पे हूं, चले। अभी जो है असल में जिस तरह मैं मक्का में मसरूफ हूँ उसी तरह ये बंदा मदीना में भी मसरूफ है। मैंने आप लोगों को बोला असल में काम वगैरह जैसी बात है, ये तो खैर प्रॉपर ये काम करें इसलिए मसरूफ होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ज़रा। तो बहरहाल अभी जो है आप लोगों को रूम का विज़िट करवाते हैं, पहला रूम आप लोगों को दिखाते हैं, देखते हैं जी क्या सीन चीन है। अभी जो है वो दूसरा होटल है, और पहला रूम है आपको दिखाते हैं, आए रहे अंदर आ जाए। और ये जी इसका वॉशरूम बना हुआ है, और ये वॉश बेसिन आ जाता है, साथ आपको साबुन शैम्पू वगैरह, और ये आपका फ्लश आ गया, और ये जो है ये नहाने की जो जगह दी हुई है, स्पेस ठीक हो गया। बाल्टी वगैरह अवेलेबल है, क्योंकि आप लोगों ने आराम वगैरह करने होते हैं, कपड़े वगैरह धोने होते हैं, उसके लिए बाल्टी अवेलेबल है। चलिए अभी आते हैं जी रूम की तरफ। तो जी ये आपका पहला बेड आ जाता है, दूसरा बेड, तीसरा बेड, और ये चौथा बेड, और ये साथ ही ये मैंने स्पेस दी हुई है जी सामान रखने की, एक और दूसरी जो है वो यहाँ से खुलती है, ये चीज इसमें जो है वो आप अपना सामान जो है वो रख सकते हैं, सही हो गया। और उसके बाद जी फ्रिज जो है वो ये अवेलेबल है इसके अंदर, बड़ा फ्रिज है, फ्रिज इसका मीडियम साइज है, फ्रंट पे मिरर आ जाता है, और उसके बाद ये जी फ्रंट पे LCD की आ जाती है। इसमें ना ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है क्योंकि ये इकोनॉमी होटल है, ये इसका सिटी व्यू है। अच्छा, बंद हुआ है। अच्छा, बहरहाल ये बाहर से जो है सिटी व्यू है जी इसका, ठीक हो गया। और पीछे नॉर्मल रूम है, अभी ये 2-स्टार में आता है क्या साहब? जी इकॉनमी प्लस। अच्छा, इकॉनमी प्लस में आता है, ठीक हो गया। चले जी अभी चलते हैं दूसरे रूम में जी। अभी जो है ये हम दूसरे रूम पे आ गए, और रहन भी आए हैं, ये यहाँ से इनको वॉशरूम है, ठीक हो गया। वॉशरूम है सामने जो है वो सिंक बना हुआ है उसी तरह, ये जो है इसके बैक पे नहाने की जगह। तो उसके बाद जी ये यहाँ पे आप आती हैं, ये आप लोगों को मैंने शर्ट दी हुई, काफ़ी अच्छी स्पेस में दी हुई है, आप लोगों का सामान जो है वो इसमें इजीली आ सकता है जितना मर्जी चाहें। ये मार्बल की अंदर स्लैब दी हुई है, ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं, नीचे आ जाता है फ्रिज, सही हो गया। उसके बाद ये आ जाते हैं रूम के अंदर बेड, कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 बेड हैं, 5 बेड के साथ साथ फ्रंट पे ही आपको LCD दी हुई है, फ्रंट मिरर दिया हुआ है, एमरजेंसी टेलीफोन दिया हुआ है, इसी तरह बाहर का जो है वो व्यू इन्होंने दिया हुआ है, ठीक हो गया। और अच्छा, चार्जिंग पॉइंट्स जी ये सामने बने हैं,
ये इनको दिखा दें, ये सामने जो है वो चार्जिंग के पॉइंट बने हैं इनके, ठीक हो गया, ये भी ज़बरदस्त है। और उसके अलावा ये पीछे बटन मिले हैं और टेलीफोन वगैरह के, लाइट्स वगैरह के, ठीक हो गया। और अच्छा ये, अच्छा पिछला जो होटल हमने रिव्यू किया वो अगर आप देखा होगा उसका जो बेड का साइज था वो काफ़ी बड़ा था, इससे इतना था तकरीबन इतना, हाँ। और ये जो है छोटा वो था, सिंगल में किंग साइज बेड था, और ये आपका सिंगल बेड रहता है और बेड भी सही है ज़बरदस्त। और अच्छा जी अभी जो है चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर का आपको दिखाते हैं सिफारिश बैग का क्या इंतज़ाम है, उसके बाद फिर रेट की इसकी बात करें। बाहर जो है आपको मैंने दो रूम्स विजिट करवाए हैं, इसमें छः बेड भी अवेलेबल है, इसमें छः बेड भी अवेलेबल है, दो बेड डबल भी है। अच्छा इसमें यार किंग साइज बेड मिल जाता है, इसमें किंग साइज नहीं है। अच्छा बेड नहीं है, डबल बेड यानी नहीं है, मतलब ये सिंगल डबल नहीं है, सही होगा, ट्रिपल से स्टार्ट होगा। अच्छा जी लिफ्ट्स एक दो तीन चार पाँच, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ। और सफाई वगैरह अगर मैं आपको कहूँ तो काफ़ी अच्छी है। अब जो जो इस होटल में रुक के गया होगा वो ऑटोमेटिक नीचे कमेंट में अपना रिव्यू दे देगा। और अभी जो है वो चलते हैं नीचे की तरफ और पूछते हैं भाई से कम फलूस का जो है वो मैंने आपको रिव्यू करवा दिया। जैसे कि रयान ने आपको बताया कि यहाँ से आराम 250 मीटर पे है और ये रास्ता सीधा जाता है, ये वाला भी सीधा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा अभी रयान भाई मुझे आपने ये बताना है कि क्या प्राइसेस हैं इसकी, इसकी जो मुझे एग्जैक्ट नहीं बतानी, हाँ जी आपने एग्जैक्ट मुझे नहीं बतानी, क्योंकि काफ़ी कुछ इस तरह के भी हैं कि जो बड़े मुखालफत करते हैं, बड़े मुखालिफ भी जाते हैं कि भाई मार्केट में हमने ये रेट चढ़ाया, भाई ये इस रेट पे क्यों दे रहे हैं, हम सिर्फ इस रेट पे इसलिए दे रहे हैं सिर्फ कि जो अभी जिस तरह फैमिली जलील हो रही होती है, पाकिस्तानी इंडियन इवन के बंगाली जो जो भी आता है मुझे पता है कि किस तरह वो जलील हो रहे होते हैं मक्का में, इवन के मदीना में भी, किस वजह से होटल्स की वजह से, बताते कुछ और हैं देते कुछ और हैं, प्राइसेस बताएंगे कुछ और, एट ऑन द स्पॉट रिमूव करके कहते हैं कि आपकी बुकिंग नहीं है। तो इसलिए जो है मैं अब आपको एग्जैक्ट रेट नहीं बताऊंगा, आपको एग्जैक्ट रेट जस्ट आपको व्हाट्सएप पे पता लगेगा, लेकिन पता लगेगा। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम है ना, लेकिन एक चीज़ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं फिर भी मुझे काफ़ी बंदों ने मना किया कि ना इस तरह बताया करो, मैं फिर भी बताता हूँ, क्यों आप लोग मेरी ऑडियंस, आपका हक है और मेरा हक है आपको बताना, आपका हक मुझसे पूछना, मैं फिर भी वीडियो में बताता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, 5-10 रियाल ऊपर नीचे बताऊँगा मैं ज़रूर। इसका जो एग्जैक्ट रेट के अलावा जो इसका रेट है ना इस टाइम पे मार्केट पे नॉर्मल रेट जो होटल, ये पूरा जो होटल है ना ये एक ही बंदे के पास है, सही, और ये अपना मेरा अपना दोस्त ही है, ठीक है, 200-210 इस तरह करके चल रहा है, 190 में भी आ जाता है, ये 150 का भी मिलता है इजीली, ठीक है, अभी जो है वो आई थिंक 210-220 इस तरह करके चल रहा है। और मज़ीद जो है अगर कोई लेना चाहेगा उसके लिए तो फिर वो अलग रेट में इंशाल्लाह उनको बताऊंगा। सही हो, ये रफ रेट है जो आपने अपने माइंड में रखने के, यार आपको मरकजिया में ये होटल इकोनॉमी होटल 250 मीटर पे इतने में मिलेगा, ठीक हो गया जी। तो आपको पता लग गया, बाकी रयान का नंबर नीचे होगा, जिसने भी इन्फॉर्मेशन लेनी है डायरेक्ट रयान को मैसेज करें, मदीना के लिए मक्का के लिए मैं बैठा हूँ। और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना इन खूबसूरत सी गलियों के साथ मदीना की, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।